13 साल नाबालिग लड़की की अस्मत रेजी वाक़ अफसोसनाक। खाती को फांसी की सजा देने का सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज लैक खां का मुतालबा। बोधन में 13 साल मासूम नाबालिग लड़की की अस्मत रेजी का इंतहाई इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़ा पेश आया। मुतासरा लड़की और अफराद खानदान से सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज लैक खां की सदारत में एक वफद की मुलाकात। क़ियादत में यहाँ पर एक मुतासिरा ख़ानदान के घर पर हमारी हाज़िरी हुई है और एक मासूम 13 साल लड़की के साथ इंतहाई शर्मनाक वाक़िया पेश आया है। उसके ऊपर हम लोग आज यहाँ पर आके वो अफराद ख़ानदान से मुलाकात किए। उनकी एक वालिदा है जो कि वो भी बीमार है और नहायत ही गरीब है। वो किसी के पास से सुबह शाम खाना लेने जाती थी लड़की। उसी का गलत फ़ायदा उठाकर एक रवि नामी शख्स ने उसके उस लड़की के साथ, मासूम लड़की के साथ, जबरन ज़बरदस्ती उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ उसने इंतहाई दरिंदगी के साथ उस लड़की के साथ उसने क्या कहेंगे इंतहाई बुरा अमल किया है, जिसको बोलने के लिए भी हमको बड़ी तकलीफ़ महसूस हो रही है। अभी लड़की को सरकारी दवाखाने को लेकर गए हैं, जिस पर हम यहाँ की हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि अफराद ख़ानदान को इनमें से किसी एक को, जो बच्ची है, क्योंकि वालदा और लड़की दोनों ही है, बच्ची को कोई वालिद नहीं है, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो उस लड़की को अच्छी तालीम का इंतज़ाम और उसका खर्च हुकूमत बर्दाश्त करे और उस लड़की को बाद तालीम के मुलाजिमत का हुकूमत तेलंगाना को इसका वादा करना चाहिए। हमको यहाँ पर आने के बाद अभी इत्तला मिली कि मकामी रुकन असम्बली जनाब शकील आमिर साहब इस घर पर हाजिर हुए और उन्होंने भी इसकी मजम्मत की और पुलिस से उन्होंने मुतालबा किया कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और वो सख्त कार्रवाई के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। हम उनको भी इस वक्त जो आपने बर वक्त जो इकदाम उठाया है बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन साथ ही साथ आप MLA होने की वजह से हुकूमत से मुतालबा करें कि यहाँ की जो लड़की है उस लड़की का तालीमी खर्च हुकूमत बर्दाश्त करे और उसको सरकारी मुलाजिमत बाद तालीम के उसको दी जाए और जो खाती है उसको संगीन दफात के तहत न सिर्फ जेल बल्कि जिस तरह नर्भय एक्ट में जो कानून नाफिज हुआ था और जो एक्ट लगा था उसी एक्ट को लगाकर उसको फांसी की सजा देने का जमीयत उलमा मुतालबा करती है।